प्रदेश सरकार के आचार संहिता से ठीक पहले की जा रही घोषणाओं और कैबिनेट के बैठकों पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुटकी ली है। धूमल ने कहा कि सरकार के पास ना तो पैसा है और ना ही समय, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में घोषणाएं करने में जुटी हुई है ताकि लोगों को रिझाया जा सके। साथ ही धूमल ने प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार सिंधी को भी चुनौती दी है कि वह साबित करके दिखाएं कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एमपी सांसद और मैंने रोड़े अटकाए हैं। वास्तव में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के चलते ही मेडिकल कॉलेज का काम अटका है। कोई व्यक्ति अगर उसने सारी जिंदगी अच्छा काम नहीं किया हो तो अक्सर लोग कहते हैं अंतिम समय में कुछ दान पुण्य कर लो। कांग्रेस की सरकार की स्थिति भी यही है। उनको भी पता है हम कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, उससे पहले सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और हिमाचल की जनता भी जानती है कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं इसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कैबिनेट के निर्णय केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक प्रयास है और उस प्रयास में कांग्रेस की सरकार ही बेवकूफ़ बन रही है। वो कहते हैं कि हम आने में भी असमर्थ हैं, पैसा देने में भी असमर्थ हैं, केवल पत्थर लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए पत्थर लगा रहे हैं, पैसा उनके पास है ना, आ सकते हैं। जल्दबाजी में उनको लगता है पता नहीं कब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, इस करके इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। पूर्व सीएम धूमल ने कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार सिंधे के बयान पर पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि सिंधे साबित करें कि बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज के लिए काम रुकवाया है, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण सीएम वीरभद्र सिंह स्वयं ही नहीं चाहते हैं कि यहां पर कॉलेज बन सके। उल्टा कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं श्री सिंधे को कि वो साबित करें कि हमारे विधायक ने या सांसद ने कहीं अड़चन लगाई हो। वास्तव में कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हमीरपुर से है और मुख्यमंत्री यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देना नहीं चाहते। अन्यथा जैसे छोटे छोटे जगह पे कॉलेज शुरू किए गए, हमीरपुर में तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भवन इतना बड़ा था जहाँ पूरा मेडिकल कॉलेज चल सकता था। फिर हथली के पास जो एजुकेशन बोर्ड का कार्यालय था जिसमें अब सीएमओ ऑफिस बना, वहाँ भी मैंने विधानसभा में खड़े होकर अपनी स्टेटमेंट देकर लिख के स्वास्थ्य मंत्री को कहकर कि हम हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करूँ। जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पोस्टें भी एडवर्टाइज कर दी, लेकिन हमीरपुर के खिलाफ ये सरकार की सोच रही है। अनेकों कार्यालय यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं। कल ही सीएमयू का एक कार्यालय पीडब्ल्यूडी का यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया, पहले हिमुडा का कार्यालय शिफ्ट किया, फॉरेस्ट का कार्यालय शिफ्ट किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ हिमाचल के साथ भेदभाव हुआ है। तो ये अगर कॉलेज नहीं बना तो कांग्रेस के भेदभाव के कारण नहीं बना है, उनकी आपसी लड़ाई के कारण नहीं बना है। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि सत्ता में आते ही सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज शुरू हो। एम्स पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा केंद्र सरकार को घेरने के मुद्दे पर धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एम्स के लिए भूमि तो ऑफर कर दी थी लेकिन बाद में औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी, लेकिन अब एम्स का शिलान्यास हो रहा है तो कांग्रेस को चुभन हो रही है। मुख्यमंत्री अगर कोई सोया हुआ हो तो जगाया जा सकता है, जो जागा ही सो जाए उसको क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जानते हैं भूमि तो ऑफर कर दी, लेकिन उसमें फॉरेस्ट क्लीयरेंस कहाँ थी, उसमें अनेकों कंडीशन जो लगी हुई थी वो दूर नहीं हुई। यही कारण है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला भी उन्होंने लटकाया हुआ है। वास्तव में वीरभद्र सिंह चाहते नहीं कि निचले हिमाचल में विशेष करके हमीरपुर में कोई विकास का कार्य हो, और जनता ने सारा देख लिया है। अभी मुझे हमारे एक वरिष्ठ नेता दिखा रहे थे एक फोटो, ख्या के पास एक सड़क का उद्घाटन हुआ है जो लगभग 2.5 करोड़ से बनी है और 2 महीने के अंदर ही सारी की सारी बह गई है। वो पक्की सड़क कैसे बह गई, वहाँ क्या मटेरियल लगा था, ये सारा जांच का विषय है। ऐसे सभी मुद्दों की जांच होगी और निश्चित तौर पे दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी।